नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया इस लॉकडाउन के बीच में ही। तभी तो उन्होंने बिहार राजद छात्र की कमान फिर से आकाश यादव के ही हाथ में दे दी है। क्या है ये पूरी खबर, आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से जो है माला ठीक है, आकाश यादव जो है बन चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या कहिएगा इसको लेकर, किस तरह से चुनौतियां जो है सामने रहेंगे? सर्वप्रथम मैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक श्री तेज प्रताप यादव भैया को दिल से धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने हम जैसे गरीब घर के कार्यकर्ताओं को ये मौका देने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भैया, राज्यसभा सांसद मीसा दीदी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जगदानंद सिंह सर का के द्वारा जो भी कार्य हमें दिया जाएगा और जो जिस प्रकार की जो भी चुनौतियां हमें दी जाएगी, उन चुनौतियों का हम लोग सामना करेंगे और आने वाले दिनों में जो भी संघर्ष हम लोग को दिया जाएगा, हम लोग तेज प्रताप भैया के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव भैया के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष को में लड़ने का काम करेंगे। लॉकडाउन का समय है और जल्द ही जो है आने वाले चुनाव भी आने वाला, ऐसे में आकाश यादव को फिर से अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तमाम लोगों के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी रहे हैं, तो क्या कुछ सोच रखा है आने वाले समय के लिए? देखिए, बहुत दिनों से छात्र राजद की जो गतिविधियां थी बहुत दिनों से रुकी हुई थी, और क्योंकि हमने नए तरीके से संगठन का विस्तार नहीं किया था, पहले पूर्व में हमने ही भंग करने का काम किया था छात्र राष्ट्रीय जनता दल, ताकि अच्छे लोगों को, डायनेमिक लोगों को, अच्छे स्टूडेंट्स को, महिलाओं को, तमाम लोगों को संगठन में जगह मिले, जो काम करने वाले हैं और जो मेहनत करने वाले हैं, जो खून पसीना बहाने वाले हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने चुनने का काम किया है। और आकाश यादव जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल के, आज इनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और अपनी आशीर्वाद भी देने का काम करता हूँ कि आने वाले भविष्य में छात्र राजद को पूरे तरीके से ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे और गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में अपने लड़कों को, एक्टिव लड़कों को लेकर के जाके और मेहनत करने का काम करेंगे से रखते हैं। और इनको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और ये सब जगह घूम करके लोगों को जोड़ने का काम करें। आपकी तस्वीर में बिहार तेज नीति भी लिखी हुई दिख रही है, इसके साथ आप लगातार अपने समर्थकों से जुड़ रहे हैं, तो इसका क्या कुछ आपने सोच रखा है इसको लेकर, तेज नीति क्या है? तेज नीति ये तो पोस्टर है और तेज, जैसे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, तो ये तो अपना अपना सबका सोच है, जिन हमारे समर्थक ने बनाने का इसको काम किया है और जो हमारी नीतियां हैं, जो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो नीतियां थी, जो विचारधारा था, उसको जन जन तक पहुँचाने का उसको काम करना है और गरीब गुरबा को उसका आवाज़ को देने का काम करना है और उसको गरीब गुरबा को कुर्सी पे बैठाने का काम करना है और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करना है। गोपालगंज का रहने वाला हूँ, पचास बार पास के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। आपने देखा, राजद के विधायक, पूर्व मंत्री और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कमर कस लिया बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए और अपने पदाधिकारियों का चयन भी शुरू कर दिया। इसी क्रम में उन्होंने आज छात्र विंग जो है राजद की, उसकी कमान उन्होंने फिर से आकाश यादव के हाथ में दी। बहरहाल, नेशन भारत चैनल के साथ आप बने रहिए, नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें, लेकिन याद रखिए, लॉकडाउन में घर में रहना है तभी सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।